नैनीताल से खबर है, देवस्थानम बोर्ड एक्ट मामले में आज सुनवाई हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नैनीताल हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई होगी। स्वामी ने की है एक्ट को रद्द करने की मांग। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट को बताया है संवैधानिक, खारिज होना चाहिए देवस्थानम बोर्ड एक्ट। रूरल लिटिगेशन संस्था ने याचिका का किया विरोध, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट को बताया सही। एक्ट चैलेंज पीआईएल में फाइनल हियरिंग आज शुरू हो गई है और पिटिशनर ने अपने आर्गुमेंट खत्म कर दिए। उन्होंने मेनली आर्टिकल 25, 26, 31 ए का वायलेशन एलिज किया है एक्ट के अंगेंस्ट, और उनका कहना यह है कि अगर टेंपल्स का कोई मैनेजमेंट होना है तो वो पुरोहित के हाथ में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी हमारे लिए वी आर एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यू द मैटर फाइनली टुमारो एंड स्टेट इज आल्सो विल डू इट। गौरव जोशी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे, कल भी सुनवाई होनी है, आज भी हुई है, किस तरीके से कोर्ट रिएक्ट कर रही है? जी पंकज, देखिए तमाम पहलुओं पर आज सुनवाई हो चुकी है लगभग, जिसमें राज्य सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि जो उन्होंने एक्ट बनाया है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी भी प्रकार के जो धार्मिक वो है हमारे अधिकार हैं उनका हनन नहीं हो रहा है, और सभी उन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है कि किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जो तीर्थ पुरोहित है उनके लिए विशेष ध्यान रखा गया है, उनका नुकसान ना हो, तो तमाम पहलुओं को लेकर इसमें सुनवाई हुई है। वहीं जो रूरल लिटिगेशन संस्था है देहरादून की, उसने भी इसमें जो अपनी याचिका डाली है उस पर भी आज जब सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिस तरह रूरल लिटिगेशन संस्था ने कहा है कि सरकार जो एक्ट बना रही है बिल्कुल सही है, तो तमाम पहलुओं पर पूरी तरह गहनता से और मंथन करने का अध्ययन हो चुका है। अब केवल जो टेक्निकल पॉइंट है उन पर सरकार को भी जवाब रखना है और याचिकाकर्ता को भी रखना है और रूरल लिटिगेशन संस्था को भी रखना है, जिससे अब कल से लगातार सुनवाई होनी है। चलिए गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, कल भी सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।